जाओ पुत्र। शंख तो आपको नहीं मिलेगा मामा जी। मेरा शंख। शंख तो गया मेरे उदर में। पुत्र, इतना विशाल शंख तुमने निगल लिया, अब मैं क्या करूंगी? ऐसे तो इसकी श्वास बाधित होकर रुक जाएगी, अब मैं क्या करूं? माँ तो चिंतित हो उठी। आप अत्यधिक चिंता मत कीजिए माँ, देखिए मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो सकुशल हूँ। प्रतीत होता है कि इस मूर्ख बालक की मृत्यु तो स्वतः ही हो जाएगी। उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्यों मामा जी, अब आप क्या करेंगे? आपका शंख तो मेरे उदर में है। इस बालक को तो कुछ नहीं हुआ, प्रतीत होता है मेरा शंख ही संकट में पड़ गया है। भ्राता, एक बालक के साथ आप भी बालक बन गए, क्रीड़ा ही तो कर रहा था। दे देता आपका शंख, अब देखिए उसने क्या कर लिया, अब हम क्या करेंगे? मैं इसकी पृष्ठ पर वार करता हूँ। क्या, एक शंख के लिए आप मेरे पुत्र पर प्रहार करेंगे? नहीं नहीं देवी, प्रहार नहीं, मैं वो माता माता यदि बालक खास दे तो कदाचित शंख बाहर निकल आएगा। हाँ ये उचित है। पुत्र, तीर वेग से श्वास बाहर करो। बालक देखिए ऐसे। नंदी, इससे भी उत्तम उपाय है मेरे पास, यदि इस बालक को वमन करा दे तो शीघ्र अतिशीघ्र शंख के बाहर आ जाएगा। वमन? पुत्र, वमन करने का प्रयास करो शीघ्र। बालक देखिए इस प्रकार। अले ये तो तोलिए माते बेली तो नहीं है, यदि हम बालक तो उल्टा लगता दे तो तंत अपना बाल आ जाएगा। पुत्र, तुम्हें शंख को अपने शरीर से बाहर निकाल दो अन्यथा। मैं समझ गया मुझे क्या करना चाहिए। मामा जी अब क्या करने वाले हैं? ये क्या प्रभु? जग को जो पाले जो सबको तारे, आज विवश पार्वती सुत से हारे, उठक बैठक सुमुख सम करते हरि, मुदित देव देवी गण देखे सभी, के देख देख हंस पड़े विनायका, शंख उदर से जाके तब निकल सका। मेरा शंख। सब कुशल तो है, कोई अहित तो नहीं हुआ ना? नहीं ना। मामा जी ने शंख लेने की युक्ति लगा ही ली। जिसके उदर में अमृत का भंडार हो उसका कोई अहित कैसे कर सकता है? माहेश्वरी व्यर्थ ही चिंता कर रही है, माहेश्वरी के पुत्र की लार तो अमृत है। चलिए आज इस क्रीड़ा के कारण हम सभी को श्री हरि के उदाहरण से एक बहुमूल्य सीख तो प्राप्त हो गई कि बालकों को कैसे बहलाया जाता है। बस अब तो प्रसन्न हो गए ना अभ्राता, प्राप्त हो गया ना आपको आपका शंख।
नंदी, शीघ्र जाकर मेरे पुत्र के लिए थोड़ा जल लेकर आओ। जी माता। कितना आनंद आया ना मामा जी, मुझे तो आपका शंख बहुत भा गया। मैं फिर आपके पास आऊंगा ना तो पुनः उससे क्रीड़ा करूंगा। अवश्य पुत्र, क्यों नहीं? नहीं नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे पुत्र की नटखटता को बढ़ावा मत दीजिए। यदि पुनः उसने शंख को निगल लिया तो? किंतु इसमें मेरी क्या भूल है? चलो तो माँ, आज के लिए बहुत हुआ। अब तुम्हें निंद्रा कर विश्राम करना है पुत्र। उचित है माँ। बालक को मनाया जाता है ये मानती हूँ मैं, किंतु भ्राता श्रीहरि तो अपने भांजे के साथ स्वयं ही बालक बन गए। शंख ही दे दिया उसे, देना ही था तो कोई और क्रीड़ा की वस्तु दे देते। अब मैं भी अपने पुत्र के लिए ऐसी अनेकों क्रीड़ा की वस्तु लाऊंगी। माँ की गोद में आए विघ्न हरता। माँ, वो इतने रंग बिरंगे वस्त्र क्यों है यहाँ? पुत्र, वो सभी वस्त्र तुम्हारे लिए तुम्हारी बुआ लेकर आई है। बुआ? हाँ पुत्र, देवी सरस्वती तुम्हारे पिता की बहन है, इसीलिए वो तुम्हारी बुआ हुई, और उनके स्वामी ब्रह्मदेव तुम्हारे फूफा जी। माँ, अर्थात हमारे और भी संबंधी हैं? हाँ पुत्र, और भी संबंधी हैं हमारे। चलो अब सो जाओ। हाँ पुत्र, एक बात तो आपने बताई ही नहीं कि बुआ जी और फूफा जी का निवास कहाँ है? ब्रह्मलोक में पुत्र, और कहाँ। चलो अब सो जाओ। अच्छा, ब्रह्मलोक, वहाँ भी मुझे जाना ही होगा। ध्वनि कहाँ से आ रही है? पार्वती, शीघ्र चलो। तुम्हारे माता पिता महाराज हिमावत और महारानी मैना आए हैं। वो यहाँ कैलाश आए हुए हैं। अब आ गई माँ। प्रणाम पिताश्री। मैं तो तुम्हें ही देखने आई हूँ पुत्री, और यहाँ आकर सब देख ही लिया। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, किंतु दिखाई तो सब दे ही रहा है ना। जमाई जी तो अपने ध्यान में ही लीन रहते हैं, और सांसारिक कार्यों में कहाँ उन्हें आज तक कोई रुचि रही है। और यहाँ का सारा कार्यभार हमारी पुत्री पर ही तो आ पड़ा है। नहीं माँ। हाँ हाँ, समझ गई मैं कुछ नहीं बोलूंगी। नाती के जन्म की सर्वाधिक प्रसन्नता उसकी नानी को ही होती है, फिर मैं और प्रतीक्षा कैसे कर सकती थी। आइए माँ। अब उचित है, एकाकी है ये बालक, निद्रा मग्न है। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, किंतु पुत्री मुझे ये तो बताओ कि मेरा नाती है कहाँ? उससे भेंट करने के लिए मैं अधीर हो रही हूँ, उसे तो बुलवाओ। हाँ पुत्री, तुम्हारी माँ अपने नाती से भेंट कर उसे भांति भांति प्रकार के उपहार देकर
उसे बिगाड़ना चाहती है। जया, विजया, मेरे पुत्र को शीघ्र यहाँ लेकर आओ। माँ, इतना कुछ लाने की क्या आवश्यकता थी? पुत्री, मैं अपने नाती से प्रथम भेंट करने वाली हूँ, तो उस पर अपनी स्नेह वर्षा करने का अधिकार तो है मुझे। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, किंतु मैं चाहती हूँ कि मेरे नाती को वो सब कुछ प्राप्त हो जो एक राज परिवार के बालक को होना चाहिए। इसीलिए तो मैं उसके लिए ये सारे नवीन वस्त्र और अनेकों प्रकार के खिलौने लेकर आई हूँ। उसे आने तो दो। पुत्र, उठो, देखो कोई तुम्हें देखने बहुत दूर से आया है। दिवस भर अपने नटखटपन से सबको सताने के बाद अब ऐसे निद्रा में मग्न हो? रुको, मैं उठाती हूँ तुम्हें। जया, विजया, मेरा पुत्र कहाँ है? ओह, अभी वो अपने नाना नानी से परिचित नहीं है ना? कदाचित इसीलिए उसे यहाँ आने में संकोच हो रहा है ना? इसीलिए नहीं आया ना तुम्हारे साथ? रुको, मैं ही अपने पुत्र को यहाँ लेकर आती हूँ। किंतु पार्वती, तुम्हारा पुत्र अपने कक्ष में नहीं है। और हमने उसे संपूर्ण भवन में ढूंढ लिया, किंतु वो कहीं भी नहीं है। किंतु ये कैसे संभव हो सकता है? वो अपने कक्ष में नहीं है और संपूर्ण भवन में भी नहीं है। इतना छोटा बालक कहाँ जा सकता है फिर? आश्चर्य, अकस्मात कहाँ चला गया ये बालक? यहीं देखता हूँ, पूर्व में भी वो यहीं भटक रहा था। आवश्यकता ही नहीं पड़ी बालक। अरे वाह, ये तो स्वयं मेरे चाल में आ फंसा। टक टका टक टक, तुम तो स्वयं मृत्यु की ओर खींचे चले आए। आओ बालक, आओ और अपने कॉल के हाथों में समा जाओ। टक टका टक टक, वज्रांतक के ये हाथ आतुर हैं तुम्हें मसल कर तुम्हारे प्राणों को हरने के लिए। थोड़ा और निकट आओ, आ जाओ बालक। कैसा है ये अंधकार? अंधकार में तो डूबना था इस बालक के जीवन को।
उस पर पड़ने थी मृत्यु की भयावह काली छाया, किंतु इस अंधकार ने तो मेरी ही दृष्टि बाधित कर दी। छट गया अंधकार, स्पष्ट हुई मेरी दृष्टि। टक टका टक टक, अब कहाँ गया ये बालक? क्या वायु में विलीन हो गया या धरती निकल गई इसे? इतने कम समय में दूर नहीं जा सकता। टक टका टक टक, शुभता का कंटक, मैं हूं वज्रांतक। ब्रह्मदेव, प्रतीत होता है कि आपकी बुद्धि आपका साथ छोड़ चुकी है। यदि मैं चाहूं तो इसी क्षण आप दोनों का अंत कर सकता हूं, ब्रह्मलोक को नष्ट कर सकता हूं। आज स्वयं सृष्टि के रचयिता को कौन सी चिंता सता रही है? आप इतने विचलित क्यों हैं स्वामी, कि ध्यान से ही आपका मन भटक रहा है? आपका शांत मन तो सृष्टि को अस्थिर कर उसके लिए संकट उत्पन्न कर सकता है। आप सत्य कह रही हैं देवी, मेरा मन बहुत अशांत है, किंतु कुछ मत कहिए स्वामी, क्योंकि आपके अशांत मन को शांत करेंगे मेरी वीणा के स्वर। देखिए स्वामी, हमसे भेंट करने के लिए कौन आए हैं? स्वयं पार्वती नंदन। प्रणाम फूफा जी। कल्याण हो पुत्र। प्रणाम बुआ जी। कल्याण हो पुत्र। बुआ जी, कितने मधुर और कितने आनंददायक स्वर है आपकी वीणा के। क्या आप मुझे भी वीणा बजाना सिखा सकती हैं? अवश्य पुत्र। मत करो पुत्र, जैसा उचित लगता है वैसा स्वर छेड़ो। तुम शीघ्र सीख जाओगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम मुझसे भी उत्तम संगीत की रचना करोगे। कितना मधुर है इस वीणा का स्वर, मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है।
अति सुंदर पुत्र, तुम्हें तो संगीत का वरदान प्राप्त है। बुआ जी, वरदान का तो मुझे ज्ञात नहीं, किंतु मुझे आनंद बहुत आ रहा है। मैं आपकी वीणा के तारों पर और सुर छेड़ सकता हूँ क्या? अवश्य, इतना सुंदर संगीत उत्पन्न कर रहे हो तुम, अभी रुक क्यों गए? इसी प्रकार से बजाते रहो और आनंद आएगा तुम्हें। बजाओ। अमृतमयी कर्ण प्रिय मधुर है इसका संगीत। अद्भुत, असाधारण, अवश्य किसी दिव्य शक्ति का प्रतिरूप है ये बालक। अब वो बालक किसी प्रकार मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.